सभी से अनुरोध है कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें। हमें मालूम है साथियों को पूरा समय दिया जाएगा, थोड़ा सा धीरज बना के रखें। आप देख रहे हैं कि इस बीच मंच पर हमारे बीच कुछ ऐसी हस्तियां मौजूद हैं जिस व्यक्ति को नेता मानते हैं, इस देश के महान सपूत स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र शास्त्री जी को जिसे अपने साथ में लिया। हमारे बीच पूर्व प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह मौजूद हैं, वो जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमको बहुत छोटा था और हम लोग चुनाव में भी एक दूसरे के मुकाबले खड़े हो गए, वो कई से खड़े हो गए। मैं कह दिया इलाहाबाद गया, नॉमिनेशन फाइल किया, किसी को कर देते कुछ कर सकते। हम तो सुनील खड़े कैसे हम करें, ये याद दिलाना शायद जरूरी है कि ये उस परंपरा के निर्वाहक हैं, पंडित गोविंद बल्लभ पंत के सुपुत्र, आजादी के सेनानी। इसे जानना चाहेंगे कि वो क्या सोचते रहे इनके बारे में, ये कहां से कहां पहुंचे। शास्त्री जी को भी बहुत पहले से देखा और लखनऊ से उनके परिवार को नज़दीक से देखा। मैं अपने को भी उनके परिवार का एक सदस्य मानता हूँ, क्योंकि उन पर जो प्रभाव पड़ा उनके पिताजी का, उस वक्त के राजनीतिक वातावरण, ईमानदारी का, समाज सेवा का, सारी चीज़ें, तो उनका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक। जैसा जी विश्वनाथ जी कह रहे थे, सरकार ने अच्छा काम किया, उस वक्त 25 साल हो गए, एक मील का पत्थर है, इसलिए अब आगे भी इसी तरह कार्य करते रहें, शास्त्री जी के जीवन से और उनके विचारों से प्रेरणा लेते रहें, ये सफल होंगे अपने जीवन। हमारे साथ एक और वरिष्ठ, अच्छा लगा कि एक परंपरा का निर्वाह है अपने बुजुर्गों का सम्मान करने का, उनका आशीर्वाद लेने का। शीला जी से हम पूछते हैं कि सुनील शास्त्री, देखिए 28 में बाबू जी इलाहाबाद पहुंच गए थे तो शास्त्री जी ऊपर रहते थे, हम लोग नीचे रहते थे। तीन बहन भाई वो और दो हम एक ही मकान में पैदा हुए, हम दोनों को पाला, सबको पाला, पांचों बच्चों को। ये है कि नैनी जेल में एक हफ्ते अम्मा जी मिलने जाती थी तो अपने बच्चों को चाची जी के पास छोड़ जाती थी, दूसरे हफ्ते चाची जी जाती थी तो अपने बच्चों को अम्मा जी के पास छोड़ जाती थी। तो हम लोग किस प्यार से वहाँ पर पले। सन 37 में बाबू जी इलेक्शन लड़के असेंबली में लखनऊ आ गए थे, चाचा जी बाद में आए। हमारे परिवार के साथ में जिस तरह से ये लोग भी जुड़े रहे, मैं सुनील को आशीर्वाद देती हूँ और प्यार भरा ये भी कहती हूँ कि ये रावत उस उत्तर प्रदेश के उस क्षेत्र से आते हैं जो गढ़वाल कुमाऊं का क्षेत्र है और हमारे चार धाम में माना जाता है, शास्त्री जी के पुराने मित्र हैं। और मैं तो अपनी ओर से कामना यही करता हूँ कि निरंतर आगे बढ़े, सबका आशीर्वाद आपके साथ है। आज इतने बार के उपाध्यक्ष राजेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। राजनीतिक वातावरण में सुनील भाई एक ऐसे सितारे के रूप में उभरे, इस देश जो वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। जनपद मुजफ्फर नगर में आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी की कार्य स्थिति मुजफ्फरनगर जनपद रहा है, परमादरणीय मंत्री थे। मैं कुछ उस वक्त की घटनाओं को जरूर याद करूंगा शास्त्री जी के सहारे के लिए। तो उस वक्त जब महाराज जी वहाँ थे और लोग आए हुए हैं और पुराने लोग भी आए हुए हैं जो इस बात को जानते हैं, जो शास्त्री जी से जुड़े हुए हैं, इस तरह का कार्य शास्त्री जी का ईमानदारी और सच्चाई का जीवन रहा है। शुरू से ही बिजली हमारे प्रदेश के अंदर एक बड़ी समस्या रही, लेकिन मुझे ये ध्यान है कि शास्त्री जी के रहते हुए जब मीरा भाभी एक बार सामने से निकली और हम उधर से, क्योंकि हमारा पारिवारिक संबंध था लखनऊ में, हम लोग सब इकट्ठे बैठते थे, खाते थे, रहते थे, तो मुझे एक बार को बड़ा सैकड़ों लोग खड़े हो गए। तो शास्त्री जी की बहुत ईमानदारी
और सच्चाई के साथ शास्त्री जी ने हमारे प्रदेश में सेवा की है। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, चाहूंगा कि वो क्या देखते हैं सुनील शास्त्री जी के भीतर जो चीज उन्हें उनके करीब लाती। पार्लियामेंट में दाखिल नहीं हुआ था तो कांग्रेस पार्टी इन पार्लियामेंट के सेक्रेटरी हरि कृष्ण शास्त्री जी की तरफ से एक टेलीग्राम आई तकरीबन 3 पेज की, बड़ा ही अच्छा लगा। जैसे ही मैं पार्लियामेंट में घुसा तो इस परिवार के साथ संबंध और बढ़ता गवर्नमेंट इन दी कंट्री और सुनील भाई और इनके परिवार का। जब इतने सारे लोग, इतने बुजुर्ग वरिष्ठ जन, इतने साथी, इतनी अच्छी अच्छी बात चाहते हैं। हम लोगों ने एक छोटी सी फिल्म तैयार की है सुनील शास्त्री जी के बारे में। आप सबसे अनुरोध करूंगा कि कुछ समय धीरे I'm not